हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम लोग बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ये यूसुफ का नया खिलौना है, मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। ये देखो नई वाली रॉकेट है, ये कैसे उड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। पहले तोड़बू इसका उड़ने वाला जो है, इसके देखो। अच्छा, ये नहीं नहीं, ये बाजू वाला तोड़ेगा, ये टूटेगा, ठीक है। अब ये इसकी स्प्रिंग में बैठेगा, अच्छा वाला, ठीक है। और फिर पापू गलत वाला तोड़ दी लगता नहीं, बराबर है। अभी इसको ना खाली ऐसा पिंच करे, उड़ गया। इससे पहले वाला गायब हो गया था। हाँ, ये लो, ठीक है। अभी मत खेलो, बाद में खेलना, ठीक है। बता दी ना पुन्ने दोस्त लोग को। तो मैं तुम लोगों को कुछ बताने वाला हूँ आज। यहाँ पर ना रोज नई नई कहानी सुनने मिलती है, जिसका पुन्ने सोचे नहीं है, समझे नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं किए वैसी। और उसके बाद उसके ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो उसको जरा हम पूरा रिसर्च करती हूँ। तो उसको जरा डिटेल में बताते हैं। ये स्टोरी है ख्वाबों की दुनिया की। तो वैसे तो ख्वाब हर कोई देखता है नॉर्मली टाइम पे, नॉर्मल, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या ये कॉमन है? क्या हर कोई रोज रोज ख्वाब देखता है? मैं तो रोज देख रही हूँ, हर बार कुछ नया और इनको पकाती हूँ। और ऐसा ऐसा पकाती है ना, एकदम लंबी स्टोरी बताएगी। बता, एक आधी स्टोरी बता तेरी पहले। तो सबसे पहले स्टोरी बताती हूँ, सबसे बुरा वाला जो मैंने अभी देखा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन सर्च करने के बाद कुछ और निकला। तो कहानी कुछ ऐसी थी, हम लोग है ना घूमने गए हैं, यूसुफ के अब्बा, मैं, इनके दोस्त की वाइफ, हम लोग घूमने गए हैं। और अचानक से ना हमारे हो गए झगड़े, सपने में भी हम लोग लड़ रहे, हमारे हो गए झगड़े, ये चले गए हम लोग को छोड़ के। अब हम लोग गए बस पकड़ने के लिए और होने लगी बारिश। तो हम लोग बोले पैदल तो जा ही सकते बस स्टॉप तक। पैदल गए तो अचानक दिखते बादल काले, जमीन काली, लाल बारिश। तो उतने में हम लोग डर गए, डर के फिर रिटर्न मारे, बोले नहीं नहीं बस बीच में कहीं तो रुकेगी। बस रुकी, बस में चढ़े तो सिर्फ हम तीन चार ही लोग, और इनका कोई अता पता नहीं कहाँ भाग गए थे छोड़ के। ये कभी मेरे को छोड़ देती है, कभी यूसुफ घूम जाता है, कभी यूसुफ को कोई लेके चले गया है, कभी किसी दूसरे के हाथ में इसको यूसुफ दिखता है, ये अपने बच्चे को ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, आगे ट्रेन में दूसरे डब्बे में लेके बैठा है। मतलब ऐसे ऐसे अधूरी अधूरी कहानी, मतलब अधूरी भी नहीं बोलेगी, अनएक्सपेक्टेड। और ना पूरा कभी यूसुफ को छोड़ दिए, कभी मेरे को छोड़ दिए, कभी मैं भाग गया, कभी खुद भाग गई, कभी हम लोग दोनों से झगड़ा करके भाग गई। लेकिन है ना, वो जब सर्च करी ना मैंने, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था काले बादल काला पानी ऐसा देखेंगे तो बुरा। ये सर्च ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ना ये पूरी कहानी सुनाएंगी, मस्त एक डेढ़ घंटे की कहानी सुनाएंगी, और फिर कुछ बच गया ना याद कर करके सुनाएंगी। तो उसके बाद है ना, उसको ना बहुत अच्छा शौक है, क्या मेरे को ख्वाबों की ताबीर जाननी है। हाँ, और वो कैसे जानती मालूम क्या? गूगल पे, गूगल सर्च मारती। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए अमेजिंग ऐप लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है, जिसपे रमी खेल के आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर गेमिंग ऐप है, जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो इसमें गेम खेल के आप पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं, और सीखने के बाद खेल के जीत सकते हैं। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आप कर सकते हो, और आपके पहले डिपॉजिट पे आप 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हो। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है, और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलता है, आप खुद इसे स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड करें और 2000 रुपए तक का वेलकम बोनस पाए, और खेलो रमी जीतो कैश। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही खेले। तो एक ढूंढती हूँ तो नहीं समझ में आता, फिर दूसरा तीसरा, क्योंकि लाइन लगती है, आधा घंटा पूरा लगाती हूँ ढूंढने में, उसके बाद पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद भी ना वो एक खाप का एक मतलब नहीं निकलता, 10 मतलब, और 10 बताती हूँ इनको। और ऐसा नहीं कि एक खाप का एक मतलब ही ढूंढ रही है, अभी वो खाप में जैसे कि काले बादल दिखे, ट्रेन दिखी, यूसुफ बच्चा घूम गया, लाल पानी, तो वो सब चीज का एक एक करके ट्राई करेगी। पहले काले बादल का देखेगी, नहीं समझ में आया ये वो, फिर उसके बाद है ना लास्ट में जाके उसका ओपिनियन मिलता है भी कि हाँ ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा चलता है, सिम्टम्स है, नॉर्मल है, तो इसको समझना चाहिए ना नॉर्मल है। लेकिन इस टाइम पे फिर दूसरे दिन ख्वाब देखती है, फिर कहानी सुनाती है, फिर उसके वो ताबीर ढूंढती है, इसका रोज का प्रोसेस है। अरे, और वो सपने देखते थे इतनी गहरी नींद में रहते ना, या आते जाते पता भी नहीं चलता है मेरे को, पता इतनी गहरी नींद। और इसके टाइम पे मेरे को कैसे सपने आते थे, फ्रूट्स चुनती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, फ्रूट्स खरीद रही हूँ, काट रही हूँ, और इसके टाइम पे तो इनकी गोदी में एक लड़की देखी थी मैंने। बताओ, और हुआ क्या, मतलब इसने ख्वाब भी देख लिए कि लड़की आ गई है, मेरे को बोल भी दी इसने, गुड न्यूज भी सुना दी कि लड़की आने वाली है, मैंने सपना देखी, फिर ताबीर भी ढूंढती है उसकी, मतलब
फुल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए तक, लेकिन एंड में क्या निकलता है? एंड में रिजल्ट ये था। ये इसके भी बताओ हरकत, ये भी रोज रात में बड़बड़ करता है रोज रात में। उस दिन है ना डर के ना थोड़ा सा हिला तो ना नूर ने ना उसको ना हाथ पकड़ी, सोजा सोजा सोजा, और हाथ हटा ली ना अपना तो ये भाई मेरा मोबाइल वापस दो, मेरा मोबाइल वापस दो। अरे बोले कहा क्या कर दी तूने, वापस मोबाइल दे उसका। मैंने नींद में बुलाई, ले 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 मोबाइल रख मोबाइल रख। नींद में लड़ता है। अभी पिछले हफ्ते नया कांड किया था इसने। क्या किया मालूम, क्या 4:15 बज रहे है और ना मैं अपना मोबाइल में ना कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ये भी सोई है ये भी सोया, और सडनली ना उठ के ऐसा ना उठता है। मैं डर गया, बोला क्या हो गया इसको, इसके अंदर आया था ड्रैगन, ये खेलता है ड्रैगन वाला लायन वाला। मैं नींद में उठ के हंस रही थी, ये भी उठ गई है। और मेरे को हंसी आ रही थी, इतना हंस रही हूं मैं। कैसा करता तू उसके बाद इसका मेरे सो आ ये 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 नहीं, और आंख बंद है इसकी, ऐसा सोते था, सोते सोते नहीं किया, सो के ऐसा पलटी के दो हाथ पे खड़े हो गए और फिर अरे बोला सवा चाहूंगे क्या कर रहा है। और जिसको नहीं पता रहेगा कि ये दिन में ऐसा खेलता है वो डर जाए इसको देखकर। कहीं किसी के मेहमान मेहमान के घर पे गया, वहां पर ऐसा कर दिया ना, पूरा घर अपने को बोलेगा भाई जाओ तुम लोग। एड़े ये रोज रात में बड़बड़ करता नींद में, रोज। अभी कल नहीं क्या नीचे सोया था तो जब ही नींद में ए चल भाग, नींद में आग बंद है चल भाग, लात मारूंगा, लात मारूंगा, ए मेरी चिज्जी वापस दे दे, ऐसा ऐसा नींद में सोया पड़ा है। आप बोला काम करे ना, मेरी चिज्जी वापस दे दे। अरे कौन किधर है? और तुमको मालूम है अभी परसों ही सुबह सुबह 9 बजे उठ गया है, उठ के बोलता दादी उज्मा आप आने वाली है, तुमको मालूम है मैं खेला उसके साथ, और सही में आधे घंटे के बाद उज्मा आई। नींद में से उठ के हम लोग को बोल रहा, हम लोग बोले एड़ा सपना देख के उठा, और सही में आधे घंटे के बाद उज्मा आई। अम्मी बोले देख सही सपना देखा रे इसने। मैं तो देखा था अभी बीच में एक सपना के ना, मतलब बोलते ना बहुत बड़ा क्राइम कर दिया मैंने, और मेरे पीछे पुलिस लगी है, और मैं बच रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, एकदम यहाँ पर छुप रहा हूँ, वहाँ छुप रहा, गोलियाँ चल रही है, मैं भाग रहा हूँ, मैं भी बम बम फेंक रहा हूँ, धपाक धुपो, और फिर भाग रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ, और फिर सडनली आँख खुल जाती। सपना था। मैंने और एक सप्ताह देखी थी इनकी दूसरी शादी। देखो मैंने ना वो पिक्चर देखा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसके अंदर क्या बताया हमारे, जो हम सपना देखते हैं वो किसी दूसरे मल्टीवर्स में हमारे साथ हो रहा, रहा होता है। तो मैंने दूसरी शादी कर लिया कहीं ना कहीं। इनकी दूसरी शादी देखती हूँ, लड़की पूरी दुल्हन है सजी हुई है पर फेस नहीं दिख रहा है, और शादी करा रही भी मैं ही हूँ, कोई और नहीं। नहीं वो दूसरी कराने के लिए पहली वाली की मर्जी चाहिए रहती है ना। तो शादी भी मैं ही करा रही, बुरा भी मुझे ही लग रहा है, मैं ही रो रही और छोड़ के भी मैं ही चले गई। ऐसे ऐसे अतरंगी अतरंगी सपने देखती, कोई भी नॉर्मल सपना नहीं देखती। अभी भूत से याद आया, कल रात में इसको इसकी माँ बोल रही है जा डायपर लेकर आ, इसको पैर में चमक आई थी, जा डायपर लेकर आ, तो क्या बोलता है वहाँ भूत है मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को भेजा ना लास्ट में, क्या बोल के भेजा, अब्बा तुम जाओ ना वहाँ पे, अब्बा वहाँ पर भूत है, ड्रैगन बन के जाओ, भूत डर जाएगा, लेकिन खुद नहीं जाओ। नहीं, 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 बन के जाओ। कैसा सुने समझे, तो भूत ना डर के भाग जाएगा फिर। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ भूत है तो वहाँ पर डायनासोर बन के जाओ। रोज रात ये यूसुफ के पास नया ट्रिक है, रोज रात में मेरे को अम्मी कर करके सोता है और सपने में डर के उठते हैं। पापा, पापा बड़ी डायनासोर बन के जाओ के पापा बड़ी इतनी बड़ी डायनासोर के। तो मेरा पूछने का मतलब ये है, क्या ये कॉमन है, ऐसा होता है? क्योंकि ये जब यूसुफ भी था तभी भी इसके सपने चालू रहते थे रोज। मैं नहीं बोलता कि सपने नहीं आते, मेरे को भी आते, लेकिन जो सपने को लेके क्यूरियोसिटी रहती है ना, उसके मतलब जानना क्या होने वाला है, जैसे कि फ्यूचर दिखा दिया आपको सपने में, अब आप ढूंढ के निकाल लो तो पता चल जाएगा आपको कि आपने क्या देखा और उसका क्या मतलब है सच्ची वाला, ऐसा होता है क्या? सब करते हैं, मैं तो करती हूँ, ये बहुत करती है, बहुत भी थी इसके टाइम पे मेरा वही हाल था। बोलने के बाद भूत देता है ड्रैगन बोलने के लिए, कुछ भी था ये, तो पैसे मिले थे मेरा यही हाल था और अभी भी वही हाल है।
और डायनासोर इतनी बड़ी डायनासोर बनने का। डर जाएंगे लोग, रात में उन लोग को सपना बुरा आएगा, फिर बच्चे लोग भी देख रहे तेरा वीडियो, ठीक है, फिर डर जाएंगे तो फिर रात में उन लोग को भयंकर सपना आएगा, बोले हमारे सपने में यूसुफ आया था डराने के लिए करके। हम नहीं देखेंगे यूसुफ को, बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। देखो अभी बहुत सारे जन रहते बोलते ना क्या, कलमा पढ़ के सो, बुरे सपने नहीं आएंगे, लेकिन बुरे सपने नहीं आ रहे ना, अच्छे सपने। मैटर तो ये है कि उसको ऐसा लग रहा है कि इसको ना सपनों में पहेली मिल रही है जिसका आंसर मिलने वाला है। मेरे दांत कितने बड़े हैं, टाइगर के दांत कितने बड़े हैं। टाइगर को मैं पकड़ लूं तो मेरा हाथ छुड़ा दे रहा है, और टाइगर के दांत कितने हुए ये केड़ा। तो ये गया, हाँ नहीं गया नहीं, कुछ ना कुछ दिखाने लाएगा टाइगर। अच्छा बोला था ना मैं। तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि किस किस को अतरंगी सपने आते हैं, और ये आप लोगों को भी कंटिन्यूअसली होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी जो भी था, हर बार आप लोगों को यही होता है। मेरा तो मानना यही है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वही सपने में आता है। मैं एडवेंचर और एक्शन मूवीज देखते रहता हूँ, इसलिए मुझे भी सपने ऐसे आते हैं कि वहां से बिल्डिंग गिर रही है, दुनिया तबाह हो रही है, मेरे पीछे आर्मी लगी हुई है, मैं भाग रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मतलब ऐसे अतरंगी सपने मुझे भी आते हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई मैं वो सारी चीजें देखते रहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है वो सब चीजों में, मैं कहाँ देखती हूँ। लेकिन तू अपनी प्रेगनेंसी को लेकर एकदम हो रही थी ना, ये क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि इसके टाइम पे थोड़े नॉर्मल थे, अभी बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके लिए भी मेरा चालू रहता है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा है मेरा। और इसके टाइम अभी इसका क्या चल रहा है कि खाने को भी ना, मतलब खाऊंगी नहीं, तुम ले लो, मैं टेस्ट करूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। कल पहले मेरे को बोली मेरे को वेफर चिप्स लाके दो, अब उसका क्या चल रहा है, फाड़ूगी, टेस्ट करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। क्योंकि और अभी नया क्या हो रहा है कि कोई भी चीज खाने से पहले ना मतली हो रही है, और खारी तो अच्छा लग रहा है, अब कोई चीज खाने का मन कर रहा है, खारी तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो क्या करूं मैं भी। तू एक ही चीज खा फिर, मेरे पास है क्या, फाइट दे दिले तो टेमिल के मार बस नहीं तो मैं सपना देखूंगा फिर कि मैं नूर को भर रहा हूँ भिशुम 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 भिशुम। वैसे है ना इसके अब्बा जब मेरे को मारेंगे मस्ती मस्ती में तो उसको वो भी बुरा लगता है, और जब मैं उनको मारूंगी तो उसको वो भी बुरा लगता है। अम्मी से प्यार करता है, अब्बा से प्यार करता है, बाकी ये सबको मार सकता है, इसका कोई बुरा मत मानो, ऐसा समझे क्या। चलो फिर चलो फिर गाइस ये वाला वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखो, अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, अपनी स्टोरीज भी शेयर करो, हाँ अपने सपने भी शेयर करो, ठीक है, बाय बाय।